पशु हाट बाजार में ठेकेदार अवैध वसूली कर रहा है। ठेकेदार से त्रस्त पशु व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अवैध वसूली पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की। व्यापारियों ने एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को बताया कि नगरपालिका खाचरोद ने पशु पंजीयन ठेका 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2020 तक यानी केवल 6 महीने के लिए नीलाम किया है। इसके मुताबिक ठेके में तय दर के अनुसार शुक्रवार को लगने वाले हाट बाजार में दो स्थानों पर पशु पंजीयन शुल्क दर्शाने वाले बोर्ड लगाने की शर्त है। हाट में पशु चढ़ाने और उतारने का शुल्क भी गलत लिया जा रहा है। ज्ञापन में मांग की कि ठेकेदार को नगरपालिका द्वारा कट्टे पर अंकित दर वाला कट्टा ही दिया जाए। पशु व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने कहा कि यदि अवैध वसूली बंद नहीं हुई तो हाट बाजार बंद कर व्यापारी भूख हड़ताल करेंगे। इस दौरान धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। ये नगरपालिका ने पशु हाट की जो है नीलामी की है 1 अक्टूबर से अगले 6 माह के लिए। इनका ये कहना है कि वहाँ ठेकेदार जो है किसी प्रकार की अवैध वसूली ना करे, जो शर्तें लिखी जाएंगी नगरपालिका की ओर से उनका अक्षर का पालन करे और किसी को जबरदस्ती जो है अवैध वसूली ना हो किसी से। यही निवेदन है, अवैध वसूली बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी जगह पिछले साल 1.5 साल का कोरोना काल चले, हम सभी व्यापारी पहले हम बेरोजगार हो चुके हैं और जैसा जैसा अभी व्यापार हमारा चालू हुआ तो ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली चालू कर रहे हैं। अगला कदम ये रहेगा, हम धरना आंदोलन कर देंगे, जो हड़ताल पे बैठेंगे व्यापारी लोग सभी, हाट बंद कर करें, ये अगला कदम है हमारा। एक